तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रिटेल एक्स और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वन गेम स्पोर्ट्स के चैनल पे। आज का पहला न्यूज निकल के आता है गॉडल सिम के तरफ से। सिम जब रिसेंटली लाइव में आए थे तो बहुत लोग उनको हेट दे रहे थे एंड उन्होंने क्या रिप्लाई कहा उनको, वो चलिए नजर डालते हैं। क्या हम लोगों ने उसके लिए सॉरी मेरी तरफ से और सबकी तरफ से, क्या ही बोला मैं ज्यादा। भाई जो हेट आया है आपको पर्सनल मत लेना, यू अंडरस्टैंड कि गॉडला एक फैंस सबसे ऑफिशियल का इंतजार कर रहे हैं बट हर बार चौक होता है, वी कॉल फ्रस्ट्रेटेड लॉयल फैंस हम, वी डिजर्व मोर। अरे हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, बाकी जो हेटर्स है भाई वो तो मैं तो ये मानता हूँ वो सपोर्ट किसी टीम के सपोर्टर नहीं है, बस वो हेट फैलाने में उनको मजा आता है। मतलब और ऐसा भी नहीं कि सब लोग करते हैं, मतलब गिने चुने लोग हैं 10-20 लोग वही करते हैं बस, बाकी तो भाई मुझे पता है कि क्वालिफिकेशन वाला सीन। भाई निंजा जॉट बॉट ट्रोल, अरे भाई किसी का ऐसे ध्यान मत दो, जिसको जो बोलने बोलने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जॉनी भाई ग्राइंड क्यों नहीं कर रहे टीम के साथ, कर रहे हैं, कल जॉनी मैंने खेला है पूरा, आज भी खेला है, अभी भी खेलेंगे। ओनर्स चुपचाप बैठे हैं, प्लेयर को आगे कर दिया, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, हेट मत दो भाई। रिसेंटली स्पीरो एक व्लॉग डालते हुए देखने के लिए मिले जिधर निंजा जॉट से पूछा गया था कि कौन से वो टीम अगर फाइनल में होते तो वो काफी ज्यादा खुश होते, तो वो ट्रोल करते हुए एक टीम को कहा, तो चले नजर डालते उन्होंने क्या कहा और कौन सी टीम को कहा। मतलब जो टफ कॉम्पिटिशन देती है टफ, देखो मतलब मुश्किल हो जाता है जीतना, फिर टफ कॉम्पिटिशन तो नहीं बोलूँगा, मतलब दुखी इसलिए हूँ कि अगर लाइक वो लोग क्वालिफाई थे तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता, क्योंकि ड्रॉप फाइट रहता, तो मैं ऑब्वियसली बोलना गॉड लाइक, क्योंकि वो होते तो ड्रॉप फाइट होता हमारा पहले, तो वो लग अभी के टाइम पे तो हम बहुत सारे तुम्हारा ड्रॉप फाइट होता वैन में आकर पार्टी करते देख सच्चाई। रिसेंटली सिम पिदर ये भी शेयर करते हुए देखने के लिए मिले कि गॉडल के तरफ से उनको दो अलग अलग ऑफर दिए गए, तो चलिए एक बार उनसे ही सुन लेते हैं कि क्या क्या ऑफर्स थे। स्ट्रीम भी करूंगा, बस हो सकता है कि बीजे में किसी और टीम से खेलूं, और हाँ गाइस इन लोगों ने मुझे एक और ऑप्शन दिया था कि इधर से भी मतलब रहना तो रह सकता है पर प्लेइंग फोर में नहीं मिलेगा, तो भाई इतने टाइम से मैं बैठा था तो मेरे को लगता था कि बीजे में खेल लेता हूं मैं कहीं से, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो खेल लूंगा। बीजे में लाइनअप क्या रहेगा, लाइनअप वही है गाइस, बस अब एक एडिशन होगा बस। पंक जब रिसेंटली इधर लाइव स्ट्रीम में आते हुए देखने के लिए मिले उस टाइम से उनको पूछा गया था क्या वो ज्वाइन करने वाले हैं गॉडलाइक को, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा चलिए नजर डालते हैं। न्यू टीम कैसे भाई, हिंट वगैरह क्या दूं मैं, अभी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, देखो सच सच बताऊं तो जो तुम बोल रहे हो मेरे को हर जगह से मेरी बात हो रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी से, मेरी हर जगह से बात हुई बट डिसाइड मैंने मन से अभी तक किया नहीं है, क्योंकि पता नहीं ओवरथिंक वगैरह मेरे से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ओवरथिंक वगैरह हो रहा है तो इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। बाकी मैं इतना दे सकता हूं कि मैं जिधर भी जाऊंगा पूरी टीम को लेकर साथ में चलूंगा मैं, इसलिए यार वाली गलती नहीं करूंगा कि एक एक को समझाऊं मैं, आई होप तुम भी समझ सको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब तक सारे बंदों का माइंडसेट सेम नहीं रहता टीम जीतनी बात। रिसेंटली मेसी के व्लॉग से इधर एक क्लिप काफी ज़्यादा जो है वो वायरल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जब आदित्य से पूछा था क्या जो कोच है उनका रोल क्या होता है, क्या प्रीवियस टीम में उसकी कोई कमी थी, तो इसके ऊपर चले नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। आ रहा हूं कि ऑडियंस को वो चीज़ पता चले कि कोच का कितना रोल है उन सारी चीज़ों को लेकर। मतलब होता है जैसे गेम में अगर आप लोग होते हो और आपका मैच खराब जाता है तो मोस्टली क्या होता है कि कोई प्लेयर एक दूसरे से बात करता नहीं है, कोई भी चीज़ शॉर्ट होती नहीं है, सब एक दूसरे से लेकर पूरा सोच के बैठ जाता है साइड में, तो वहाँ पर कोच का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। कोच क्या होता है कि कोच सबको सबकी बात सुनता है और फिर अपना इनपुट देता है जो टीम के लिए बेस्ट हो और सबसे बात करता है, तो और वो बात करवाता है टीममेट्स को। पिछले वाले टीम में ये कमी थी है? नहीं मतलब पता नहीं मैं कह नहीं सकता याद ही कहेगा मेरे को व्लॉग में बिठाया ये सब बुलाने के लिए। रिसेंटली मेसी के ही व्लॉग पे जब उन्होंने गॉब्लिन से पूछा कि कार्निवल एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उन्होंने एक शॉकिंग न्यूज दिया, चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। कार्निवल एज एन ई स्पोर्ट्स और कितना बढ़िया कर रहे हैं भाई, एज एन ई स्पोर्ट बताऊंगा ना तो मतलब मैं 10/10 रेट दूंगा, क्योंकि मतलब देखो ई स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ पर्टिकुलरली ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ होता है बंदे को सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम टू टाइम आती है, मतलब मेरे को अभी तक मतलब 4 महीने हुआ है मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं, हमें बोलना पड़ रहा है डिले हो रहा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ वही है, बाकी एक फ्री हैंड है अपने को कुछ भी करो, तुमको स्ट्रीम करना है स्ट्रीम करो, जो करना करो, बट गेम पे ध्यान दो रहता है, गेम पे तो ऑब्वियसली अगर गेम अच्छा नहीं रहा तो कोई नहीं पूछेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो खुद को ही रियलाइज होना चाहिए। रिसेंटली पंक इधर अपने ड्रीम टीम के बारे में भी बात करते हुए देखने के लिए मिले, चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। कि मेरे को जो ड्रीम टीम का बताना था वो बता दिया मैंने, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा भाई, सब अपनी जगह सही थे हमारे लाइनअप में, सब अपनी जगह सही थे, बट डेडिकेशन की कमी थी मैं इतना बोलूँगा, और मैं किसी को वो भी नीचा भी दिखा रहा मेरे टीम मेट को, उन लोग को भी पता है हम लोग को भी पता है, म्यूचुअल डिसीजन लिया था हम लोगों ने, मेरा यही है भाई कि अभी मैं जो भी डिसीजन लूँगा सोच समझ के लूँगा, मतलब मेरा ट्रस्ट रहा नहीं अभी कोई भी किसी पर भी, मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है, मैंने ट्राई किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैं अकेला कैरी कर रहा था वगैरह, मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैं टीम को जितना हो सके रख सकूँ एक साथ में एक ही लाइन पे चले, बट नहीं हुआ मेरे से वो, पर मैंने म्यूचुअल डिसीजन हम लोगों ने भी ये लिया कि स्प्लिट रहना सबसे बेटर रहेगा, साथ में वही है एक दो महीने बाद जाके परफॉर्मेंस आया ठीक है नहीं आया तो PTC जो भी तुम बोलते हो, भाई मैंने लीव वगैरह किया था खुद से लीव किया, इधर भी मैं लीव किया, मेरे को इधर बोला भी था स्टिक कर सकता है सब कुछ कर सकता है, मेरा खुद का डिसीजन है मैं लीव कर रहा हूँ।
मेरे को किसी ने निकाला नहीं है। सिंसे को जब पूछा गया था स्पीरो की तरफ से कि क्या वो रिटायर करने के बाद कास्टिंग में आएंगे या फिर नहीं, चलिए नजर डालते हैं, उन्होंने क्या कहा था। बट वी वांट सेंस एज अ प्लेयर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स। नहीं बट मेरे को लगता है सेंस तेरा रिटायरमेंट का प्लान यही होगा क्या, कास्टिंग करेगा क्या? ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं खेलने तो दूंगा। अरे तो मतलब मैंने वही बोला ना, रिटायरमेंट के बाद मतलब मुझे लगता है ना कि यार क्यों ही लेना रिटायरमेंट। और मैं जब चाहता हूं एक चीज बोलूं कि जब मैं चाहता हूं ना मैं रिटायरमेंट लूं तो मैं स्पोर्ट्स में रहूं ना, मैं गायब हो जाऊं यहां से। खेतीबाड़ी। रिसेंटली सिम के लाइव स्ट्रीम पे जब पूछा गया था ज़ीगॉट के बारे में तो उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए नजर डालते हैं। भाई गॉट भाई बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तुम लोग को ऐसे लग रहा होगा इतने टाइम से गॉट पे बैठे पर वो पेड़ वेड़ खेलते रहते हैं दोस्तों के साथ और दूसरी टीम्स, मतलब ऐसे दोस्तों के साथ बैठते नहीं वो खाली, अभी तो गॉट भाई खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो गाइस आज के लिए न्यूज इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए सायोनारा।